नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस YouTube चैनल पे। और मैं आज आपके बीच में एक ऐसी कहानी शेयर करना चाहता हूँ जिसे सुनकर आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो चलिए आप शुरू करते हैं। ये कहानी एक टीचर और बच्चों की है। एक बार एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे। बच्चों को कुछ नया सिखाने के लिए टीचर ने जेब से 100 रुपये का एक नोट निकाला और बच्चों की तरफ वह नोट दिखाकर कहा, क्या आप लोग बता सकते हैं कि यह कितने रुपए का नोट है? सभी बच्चों ने कहा 100 रुपये का। टीचर, इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। अब उस टीचर ने उस नोट को मुट्ठी में बंद करके बुरी तरह मसला, जिससे वह नोट बुरी तरह कुचल सा गया। अब टीचर ने फिर से बच्चों को नोट दिखाकर कहा कि अब यह नोट कुचल सा गया है, अब इसे कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने फिर हाथ उठा दिया। अब उस टीचर ने उस नोट को जमीन पर फेंका और अपने जूते से बुरी तरह कुचला। फिर टीचर ने नोट उठाकर फिर से बच्चों को दिखाया और पूछा कि अब इसे कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने फिर से हाथ उठा दिया। अब टीचर ने कहा कि बच्चों, आज मैंने तुमको एक बहुत बड़ी सीख सिखाई है। यह 100 रुपये का नोट था। जब मैंने इसे हाथ में कुचला तो यह नोट कुचल गया, लेकिन इसकी कीमत 100 रुपये ही रही। इसके बाद जब मैंने इसे जूते से मसला तो यह नोट गंदा हो गया, लेकिन फिर भी इसकी कीमत 100 रुपये ही रही। तो मेरे दोस्तों, ठीक वैसे ही इंसान की जो कीमत है और इंसान की जो काबिलियत है वो हमेशा वही रहती है। आपके ऊपर चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, चाहे जितनी भी मुसीबत की धूल आपके ऊपर गिरे, लेकिन आपको अपनी कीमत नहीं गंवानी है। आप कल भी बेहतर थे और आज भी बेहतर हो। तो मेरे दोस्तों, अगर जो कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सभी मित्रों को ये कहानी शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।